दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। रिया भी एक एयरटेल का यूजर है, एयरटेल सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को आज बताऊंगा कि एयरटेल के जो रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद, रेट बढ़ने के बाद, अब आपको अपने एयरटेल नंबर को पोर्ट कराने के लिए किसी अदर ऑपरेटर में सबसे कम यानी सबसे सस्ता रिचार्ज कितने रुपए का रिचार्ज कराना होगा, यानी पोर्ट कराने के लिए तो सस्ता रिचार्ज कितने रुपए का कराना होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। यदि आपको नहीं पता है कि रिचार्ज महंगे होने के बाद कितने रुपए का आप पोर्ट कराने के लिए रिचार्ज कराना होगा, जिससे आप यूपीसी कोड निकाल सके ताकि आपका सिम कार्ड पोर्ट हो जाए, तो आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं वह कौन सा रिचार्ज प्लान है। रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद आपको कम से कम आपको 199 रुपये का रिचार्ज कराना होगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही इसमें से आपको इसमें प्रतिदिन मिलने वाले हैं, इसकी वैलिडिटी आपको 28 दिन की मिलेगी इस प्लान की। पहले दोस्तों ये सारी बेनिफिट 28 दिन वाला प्लान आपको 155 या फिर 179 के मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जब से रेट बढ़ गए हैं प्लानों की, तो आपको 199 रुपये का यह रिचार्ज प्लान मिलेगा। यदि आप अपने एयरटेल नंबर को पोर्ट कराना चाहते हैं किसी अदर ऑपरेटर में, तो यूपीसी कोड निकालने के लिए आपको कम से कम 199 का रिचार्ज कराना होगा। यदि आपके नंबर पर पहले से कोई प्लान रहता है तब आप इस यूपीसी कोड निकाल सकते हैं। यदि प्लान एक्सपायर हो जाता है तब तब आपको 199 का रिचार्ज कराना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आपके एयरटेल नंबर में कोई आउट गोइंग सुविधा नहीं चालू रहेगी, यदि आपके नंबर में आउट गोइंग SMS नहीं रहेंगे, जब तक आप UPC कोड आपका नहीं निकलेगा, सपोर्ट मैसेज नहीं सेंड होगा, तो ऐसे में आपको कम से कम 199 का प्लान रिचार्ज कराना होगा सिम पोर्ट कराने के लिए, UPC कोड निकालने के लिए।